गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नुपुर। आज का वीडियो एक हॉल वीडियो है जिसमें मैंने कुछ मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से और आजियो से कुछ स्वेटर्स और जैकेट्स मंगाई थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे रहे हमने क्या क्या सामान मंगाया था। तो मेरा जो यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है कार्डिगन। तो कार्डिगन यहाँ पे ये ड्रेसबेरी ब्रांड का है, ये एक्सेल साइज में है, ग्रे कलर का है, बहुत ही क्लासी कार्डिगन है ये। इसकी स्लीव्स जो है वो बिल्कुल प्लेन है और फुल स्लीव्स है। इसकी स्लीव्स पे भी ये देखिए थोड़ा स्ट्रेची पार्ट आपको ये दे रखा है फ्रंट में, इतना पोर्शन फ्रंट में। इसमें आपको पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क दे रखा है, ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी दे रखी है। बहुत ही स्मार्ट लुक देगा ये आपको। ये आप आराम से जीन्स के ऊपर या स्कर्ट के ऊपर, वेस्टर्न पे, एथनिक पे आराम से इसको कैरी कर सकते हैं दोनों पे। और इसकी स्लीव्स दोनों साइड्स पे, ये प्लेन स्लीव्स हैं इसकी, सिर्फ फ्रंट पे, दोनों साइड पे। फ्रंट पे आपको ये थ्रेड वर्क दे रखा है और इसके जो बटन्स हैं वो प्लेन ब्लैक कलर के बटन्स इसमें दिए हुए हैं। पूरे नीचे तक ये बटन्स दे रखे हैं, पूरा ओपन होता है ये। और इसमें एम्ब्रॉयडरी आपको सिर्फ यहाँ तक एम्ब्रॉयडरी दे रखी है इसमें दोनों साइड में। और पीछे से ये प्लेन है बिल्कुल। इसकी थिकनेस की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा और वार्म स्वेटर है ये, बहुत ही अच्छा कार्डिगन है। और फैब्रिक भी इसका काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसा नहीं कि पहनने के बाद आपको ये चुभेगा। काफ़ी सारे यू नो कार्डिगन और स्वेटर्स होते हैं उनके स्टफ़ ऐसे होते हैं कि पहनने के बाद आपको काफ़ी चुभते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है पहनने पर। तो ये उस टाइप का बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक है। अगर आप इस टाइप के कार्डिगन्स पसंद करते हैं तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। इसका प्राइस आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा इसका प्राइस क्या था। तो चलिए अब इसको भी ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। नेक्स्ट मेरा जो स्वेटर है वो मार्स एंड हार्बर का स्वेटर है, पिंक कलर का स्वेटर है। बहुत ही प्यारा क्यूट सा पिंक कलर है, बेबी पिंक कलर है। इसकी स्लीव्स ये फुल स्लीव्स हैं और इसकी स्लीव्स पे ये देखिए आपको पूरा ये एम्ब्रॉयडरी वर्क दे रखा है, बहुत ही खूबसूरत ये वर्क दिया हुआ है। ये आगे भी है और इसके पीछे भी है स्लीव्स पे। और बहुत ही मतलब मुझे तो एम्ब्रॉयडरीज बहुत पसंद है। तो ये देखिए दोनों स्लीव्स पे, आगे की साइड पे और ये पीछे की साइड पे स्लीव्स पे आपको ये पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क दे रखा है। और फ्रंट पे बात करूँ तो इसका नेक जो है राउंड नेक है और फ्रंट पे भी आपको इतना ये ऊपर से ये नीचे तक आपको एम्ब्रॉयडरी दे रखी हुई है। और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी का कलर है ना, ये बहुत ही प्यारा कलर है, येलो ग्रीन, रेड ग्रीन, और बहुत ही अच्छा इसमें कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो पर ये बहुत मोटा नहीं है, बहुत थिक नहीं है कि आप इसको विंटर पे आराम से इसको खाली इसको पहन के आप घूम सकते हो। ये थोड़ा पतला है, इसके ऊपर आपको जैकेट वगैरह पहननी पड़ेगी। तो इसको आप थोड़ी सी जो कम सर्दियाँ होंगी ना, आप उसमें इसको आराम से कैरी कर सकते हो, बहुत स्मार्ट लुक देगा। और पीछे से ये बिल्कुल प्लेन पिंक कलर है। इसमें जो एम्ब्रॉयडरी वर्क दे रखा है वो पीछे आपको सिर्फ स्लीव्स में दे रखा है और पीछे की साइड पे बैक में ये पूरा प्लेन है। तो इसका प्राइस भी आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा किस प्राइस में मैंने लिया था। बहुत ही अच्छा सॉफ्ट स्टफ है इसका, तो इसको भी आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आपको थोड़े से इस टाइप में एम्ब्रॉयडरी वर्क में पसंद है कपड़े। तो चलिए इसको भी वेयर करके देखते हैं ये कैसा लगता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आजियो से मंगाया था कि स्वेटर ब्रांड डिज्नी का, बहुत ही प्यारा स्वेटर है। एक तो मुझे ना कार्टून प्रिंट बहुत पसंद है, कार्टून में आपको कुछ भी मिल जाए ना मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो ये कुछ इस तरीके का स्वेटर है, पूरा मल्टी कलर है ये। इसमें आपको ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड कलर का आपको पूरा कलर दे रखे हैं ये, चार कलर्स इसमें। और इसको फ्रंट में आपको ये डोनाल्ड डक है, बस थोड़ा सा गुस्से में है ये डोनाल्ड डक। तो ये डोनाल्ड डक का फेस इसमें आपको दिया हुआ है, राउंड नेक है, स्लीव्स इसकी फुल हैं, स्लीव्स इसकी ऐसे ही पूरा मल्टी कलर में है ये देखिए। और पीछे से ये पूरा प्लेन है।
ये थोड़ा सा बैगी टाइप से, जैसे बैगी टाइप से होते हैं लूज वाले स्वेटर्स, ये थोड़ा उस टाइप की इसकी फिटिंग आएगी। तो इसको आप जीन्स वगैरह के ऊपर कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छा स्मार्ट लुक देगा ये, स्लीव्स वगैरह ऊपर चढ़ा के, और इसको थोड़ा सा लूजी लूजी बैगी बैगी काफ़ी अच्छा लुक देता है। तो अगर आपको थोड़े से लूजी और बैगी चीज़ें कपड़े पसंद हैं तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही स्मार्ट लुक देगा ये आपको। प्लस इसका कलर कॉन्ट्रास्ट इतना अच्छा है, और इसके फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा सॉफ्ट एंड स्मूथ है, और काफ़ी मोटा भी है, ये आपको वार्म करेगा आराम से। इसके ऊपर आप एक नॉर्मल जैकेट पहन सकते हैं, सफिशियंट होगा आपके लिए। तो इसको भी ट्राई करके देखते हैं ये कैसा लगता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट से एक डेनिम जैकेट मंगाई थी, जो मतलब बहुत अच्छी नहीं कहूँगी बट हाँ ठीक ठाक है, जिस हिसाब से इसका प्राइस है उस हिसाब से काफ़ी अच्छी बोलूँगी मैं। तो ये ब्लैक कलर का डेनिम मैंने मंगाया था, डेनिम जैकेट। ये आप प्रॉपर विंटर में इसको कैरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही पतला, ये इसका जो स्टफ है बहुत पतला है। तो अगर आपको इसको कैरी करना है, आप इसको आई थिंक समर्स में भी इसको कैरी कर सकते हो, या बहुत हल्की सी ठंड हो ना उसमें आप इसको आराम से पहन सकते हो। ये इसकी फुल स्लीव्स दे रखी हैं, स्लीव्स पे आपको ये नीचे की साइड पे ये बटन दिया हुआ है, फ्रंट पे ये कुछ इस टाइप का लुक आएगा आपको, पीछे से ये प्लेन है। इसका जो नेक है वो कॉलर में है, और इसमें फ्रंट में दोनों साइड पे ये पॉकेट्स दे रखी हैं, दोनों ये ओपन होती हैं पॉकेट, मतलब ये बटन सिर्फ ऊपर का शो के लिए लगा हुआ है, अंदर ये ऐसे ओपन होता है, इसके अंदर पॉकेट है छोटी सी। और ये फ्रंट में आपको ये सारे ये बटन्स दे रखे हैं, इन बटन्स में ना थोड़ी सी जैसे घुंघरू में आवाज़ नहीं होती है, ये देखिए उस टाइप की थोड़ी सी आवाज़ है, जो थोड़ी सी अनॉइंग लगती है मुझे, बट हाँ जिस प्राइस में मैंने इसको लिया था उसमें काफ़ी अच्छी डील थी, तो ठीक है इसको हम आराम से पहन सकते हैं। तो इसका प्राइस आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा किस प्राइस में मुझे मिली थी। तो चलिए इसको भी वेयर करके देखते हैं कैसी लगती है ये। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे वेरोमोडा की ये जैकेट है, बहुत ही स्मार्ट जैकेट है, मुझे काफ़ी पसंद आई। ब्लू कलर की है ये लेदर जैकेट, ये देखिए आप, बहुत ही स्मार्ट लुक देगा ये पहनने के बाद। प्लस जैसे लेदर जैकेट्स होती है ना बहुत यू नो हार्ड सी होती हैं, कि आपने उसको पहन लिया तो ऐसे रोबोट की तरह ऐसे चलते हैं, उस टाइप की नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट इसका मटेरियल है। इसकी स्लीव्स फुल स्लीव्स हैं, ये बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर है इसका, फ्रंट में ऐसा डिज़ाइन दिया हुआ है इसमें, आगे की साइड पे ये फ्रंट में चेन है बीच में, और दोनों साइड में पॉकेट से रखी है, पॉकेट में भी आपको ये चेन दे रखी हुई है, और एक साइड पे ऊपर की साइड भी इसमें चेन है, ये सारी चेन जो है ओपन होती है इसमें, और पीछे की साइड पे इधर शोल्डर की साइड पे ऐसा डिजाइन इसमें दिया हुआ है, बाकी ये पूरी पीछे से प्लेन है। फ्रंट पे भी शोल्डर्स पे ऐसा डिजाइन आपको दिया हुआ है, जो पीछे की साइड पे डिजाइन दिया हुआ है, बहुत ही इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है। प्लस मुझे इतने अच्छे प्राइस में ये मिल गई थी, क्योंकि वेरोमोडा की जो जैकेट्स वगैरह होती है वो मैंने देखी 3,000 3,500 की होती हैं, जो मतलब बहुत कॉस्टली होती हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी, आई गेस हाफ प्राइस में मुझे ये मिल गई थी। तो चलिए इसको भी वेयर करके देखते हैं कैसी लगती है ये। Thank you.
के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। थैंक यू।